सर, मैं हूँ अनु त्रिपाठी और आज मैं इन तमाम अपने चौकीदार बंधुओं के बीच में आया हूँ। स्वास्थ्य बड़ा खराब था, इसलिए मैं कल नहीं आ पाया, लेकिन आज आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि जो भी आज खबर देंगे आपको शानदार देंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे साथ में सादानंद पासवान जी हैं वेलफेयर सोसाइटी से, और दादा श्री नारायण दादा हैं सामने आप देख पाएंगे ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति से। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि कल योगी जी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के यहाँ पे इनको बुलाया गया था, वहाँ पे क्या वार्ता हुई, क्या बातें हुई, क्या कल का रहा, वो सारी चीज़ें हम इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी आज की मैं आपको सूचना बता दूं कि जो वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष रुमान पासवान का पेट में प्रॉब्लम हुआ, दर्द हुआ और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। ये सारी समस्याएं लगातार इको गार्डन में हो रही हैं, चौकीदार बीमार हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार इस पर कोई अभी तक विचार नहीं व्यक्त की है कि शायद चौकीदारों का उद्धार करेगी भी या नहीं करेगी। तो पहले हम जान लेते हैं इन तमाम लोगों से। तो सबसे पहले दादा आप बताइए कि कल जब आप लोग गए थे किसी ने बुलाया था, क्या मतलब कैसे कल क्या हुआ? कल हम चौकीदार प्रतिनिधि दर्जनों की संख्या में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास गए और वहाँ जो है मांग पत्र जो है दिया गया। आप द्वारा आश्वासन मिला कि मुख्यमंत्री जी से कार्य को हल कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पे क्या आपने अपना पूरा ज्ञापन दिया जाके दरबार में? पुनः जो है फिर हम लोग गए, बीच में जो है कालिदास मार्ग गए तो पुलिस विभाग के लोग जो है हम लोगों को रोकने का प्रयास किया, कुछ धक्का मुक्की भी हुआ, फिर भी जो है जीत पर हम लोग अड़े रहे। शेष चौकीदार जो है बाहर रहे, पांच प्रतिनिधि मंडल शारदानंद पासवान प्रदेश प्रभारी, सुरेमन पासवान प्रदेश अध्यक्ष, भाई शिव नारायण यादव जिला अध्यक्ष बस्ती, और दो हमारे भाई मंसूर अली महबूब आलम जो है बिजनौर, वो नहीं महबूब खान जो है, हम पांच लोग जो है कि नहीं गए और पहली सीट पर हम बैठे थे। तुरंत सूचना मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव का समय है, चले गए हैं गुजरात। जो वहाँ नियुक्त अधिकारी थे पत्रक लेने से पहले कहे कि चौकीदार यहाँ आ गए हो, पत्रक हमको मिल गया है, दीजिए पत्रक, कुछ काम हो जाएगा। तो श्री नारायण दादा हमारे साथ में, दादा ये बताइए जब आप कल ब्रजेश पाठक जी के यहाँ गए तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ? ब्रजेश पाठक, मैं तस्वीर में देख रहा था, फोटो वगैरह आई थी, ब्रजेश पाठक जी बीच में खड़े थे, तो वहाँ पे क्या वार्ता हुई? सबसे पहले आप हमारे पुराने संबंधी हैं, आपका हमारा संबंध पहले से रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से कई बार ग्रुप के माध्यम से या चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को सुनती रहे, हमें बड़ी खुशी हुई। आप लोगों ने जो अब तक प्रयास किया हमारी आवाज़ उठाने के लिए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम श्री नारायण यादव ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आपसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जिस समय हम लोग ब्रजेश पाठक जी के पास गए हैं वहाँ जनता दरबार लगा था। जनता दरबार में हम लोग कई घंटे बैठे रहे, मुलाकात नहीं हो सकी। जाते वक्त उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम लोगों ने मिलकर उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों का कार्य हो जाएगा। लेकिन हम लोग गत कई वर्षों से आश्वासन से चलते रहे हैं, केवल हमको आश्वासन ही मिलता है, लिखित आज तक कोई नहीं मिला। लेकिन लेकिन आपने तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कार्य किया कि पिछली बार जैसे आश्वासन दे करके सरकार ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया चौकीदारों को, लेकिन अब की बार आप फिर भी डटे पड़े हैं कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा समाधान से। अब हमारा कार्य आश्वासन से नहीं चलेगा, हम लोग डटे रहेंगे इको गार्डन में अनिश्चित काल के लिए डटे रहेंगे, क्योंकि शीतकालीन बजट होने जा रहा है। अगर हो सकती हम लोग की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, आप लोगों को उतारा, तो हो सकता सरकार हमारी आवाज़ को सुन सके और हमारे जीवनोपार्जन के लिए कुछ उपाय करे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे पिछली साल आप लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया था, उस धरना प्रदर्शन के मुताबिक अगर देखा जाए तो अब की बार आपको काफ़ी ज़्यादा मीडिया का साथ मिला। हम बहुत उत्साहित हैं इससे, जो हमें सहयोग मिला है, हम लोग बहुत उत्साहित हुए
और इस कार्यक्रम लोग को लेकर जो हमारी मीडिया साथ दे रही है, सरकार तक पहुंच भी रही है, अब सरकार क्या करती है ये तो हमारा कार्य है पहुंचाने के लिए। हम लोग पिछली बार 2021 में गए थे सचिवालय में, पांच सदस्यीय टीम हमारी गई थी, उस समय हमें सचिवालय द्वारा आश्वासन मिला कि आप लोग जाइए, महीने के आखिरी तक सरकार आपको कुछ कुछ देगी, लेकिन वह आश्वासन विफल रहा। तो हम किस पर भरोसा करें, जब गृह सचिवालय हम पर विश्वास नहीं दिया तो हम किस अधिकारी का विश्वास करें। इसलिए हम लोग डटे रहेंगे, यह चाहे हमारा जान जाए या कुछ भी हो, कुर्बानी हो, लेकिन बिना हम लोग अपनी मांग को पूरी किए यहाँ से जाने वाले हैं। आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत में पांडवों ने रोल निभाया था, कहीं ना कहीं उसी तरह से आज ये पांच लोग आज भी डटे हुए हैं। अन्य लोग भी आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। मैं सबसे पहले उन लोगों से कहना चाहूंगा जो आना जाना लगा के रखते हैं, या तो आकर के बैठे हैं या तो फिर बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं ये पांच लोग बुजुर्ग लोग अगर जमीन पर उतरकर आप लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर बुजुर्ग आपके बीच में बैठ सकते हैं ऐसे ठंड के समय में। और जैसा कि श्री नारायण दादाजी ने बताया कि कल वहां पर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के दरबार पहुंचे, ब्रजेश पाठक जी के पास पहुंचे, वहां पे इनको फिर से आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन अब की बार वो आश्वासन के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, अपना जो धरना है वो निरंतर जारी करके रखे हैं। मैं सबसे पहले सारदानंद जी से बात करना चाहूंगा कि आज भी कुछ हुआ था क्या, कुछ सुनने में आया था कुछ बीमार हो गया आज तो क्या जो है प्रदेश अध्यक्ष सुलेमान पासवान जी का जो है अचानक जो है तबीयत खराब हो गई और वो यहीं जो है धरना स्थल पर जो है छटपटाने लगे, तब जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया, तत्काल जो है उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। तो क्या लगता है कि मतलब अगर इसी तरह हालात रहेंगे तो आप लोग, मैं देख रहा हूँ कई दिन विगत लगभग पाँच छः दिन हो रहा है, उस बीच में लगभग दो से तीन लोग तो बीमार हो ही चुके हैं, तो अगर इसी तरह अगर रवैया रहा, नहीं सरकार सुनती है, कुछ भी नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं चौकीदारों को काफ़ी दिक्कतें भी उठानी पड़ सकती हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग घर द्वार छोड़कर आए हैं तो घर की चिंता नहीं है क्या आप लोगों को, जैसे अन्य लोग घर के लिए भाग लेते हैं? हम लोग जो है घर परिवार के ही, घर परिवार के लिए ही यहाँ लखनऊ जो है कांसीराम पार्क में आए हैं। जब तक वेतन नहीं बढ़ेगा तब तक जो है हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन आपके सहयोग में ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति के जो दादाजी अध्यक्ष हैं वो भी आपके साथ जुड़े गए हैं हाथ से हाथ मिला करके, तो क्या लगता है कि जंग को मजबूत कर पाएंगे? जंग को बहुत मजबूत कर पाएंगे और हमारे चौकीदार भाई जो है अब अन्य जनपदों से जो है आना शुरू कर दिए हैं, और 7 तारीख तक नहीं हो रहा है तो 8 तारीख जो है बहुत काफ़ी भीड़ हो जाएगी और हम लोग जो है उसकी रणनीति तय करके जो है विधानसभा घेरने का काम करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे तमाम चौकीदार बंधुओं को, आप जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इनकी जो समस्या है अभी तक फिलहाल समाधान नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर बुला करके आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह है कि पिछली साल की तरह ही बार बार लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि अब की बार शायद अगर इसी तरह ये डटे रहे और इसी तरह जैसे कि पांडवों ने पांच लोगों ने मिलकर इतिहास रचा, अगर इसी तरह बने रहे तो शायद चौकीदार विभाग एक इतिहास रच सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करके अन्य लोगों तक जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अनुज पाटिल।